ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो मैं बात करने वाला हूँ स्कोडा की कुशाक की, जो ऑफिशियली आज ही रिवील हो चुकी है, यानी कि उसके बहुत ही सारे प्रोडक्शन जो कार है, प्रोडक्शन मॉडल, उसके बहुत ही सारे इमेजेस लीक हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो मैं उसके लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्कोडा कुशाक के बहुत ही रूमर्स निकल कर आ रहे थे, लेकिन फाइनली उसका ऑफिशियल जो लुक है, यानी कि जो प्रोडक्शन मॉडल उनका रेडी हो चुका है, वो अभी ही उसको अनवील किया गया है, यानी कि ऑफिशियली वो रिवील्ड हो चुकी है। सो गाइस, उसमें ये पता चला है कि इसमें हमें दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसमें हमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और दूसरा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में बात करूँ तो उसमें हमें 115 PS का पावर देखने को मिलेगा और 175 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है, यानी कि कॉम्पैक्ट SUV में देखा जाए तो ये पावर और टॉर्क बेस्ट इन सेगमेंट रहने वाला है। और गाइस, बात करूँ सेकेंड इंजन ऑप्शन की तो उसमें हमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसके पावर की बात करूँ तो उसका पावर 150 PS का पावर रहने वाला है और टॉर्क की बात करूँ तो उसका टॉर्क अराउंड 250 Nm का टॉर्क रहने वाला है, यानी कि ये पावर और टॉर्क पूरा ही हाई लेवल का पावर और टॉर्क रहने वाला है। लेकिन ये वाला मॉडल हो सकता है कि ओनली और ओनली टॉप मॉडल में ही हमें ये इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जिससे उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। गाइस, इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें रेन सेंसिंग, वाइपर हो गया, और भी सारे फीचर्स जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, फुल्ली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, एयरबैग्स, सेफ्टी, वो सब हमें इसमें देखने को मिलने वाला है, चाइल्ड लॉक सिस्टम, और इसी के साथ साथ इसमें हमें टॉप मॉडल में हो सकता है कि सनरूफ भी देखने को मिल सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी बहुत ही सारे मैंने पिक्चर्स रखे ही हुए हैं जिसमें हमें सनरूफ वाला मॉडल भी देखने को मिल रहा है। सो गाइस, ये सारे फीचर्स इस कार में हमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस, इसके हेडलैम्प और टेल लैम्प के बारे में बात करूँ और साइड मिरर के बारे में बात करूँ तो इसका जो हेडलैम्प रहने वाला है वो फुल्ली LED मिलेगा, जो कि हो सकता है कि टॉप मॉडल में ही हमें फुल्ली LED देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी जगह पर हमें अगर बेस मॉडल में देखा जाए तो उसमें हमें हेलोजन देखने को मिल सकता है, और जो टेल लैम्प होगा वो भी हेलोजन रहेगा, लेकिन अगर मिड मॉडल आप लेते हो तो उसमें LED हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, इसका लुक बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो कॉम्पैक्ट SUV होगी वो हो सकता है कि उसके सेगमेंट में इसका लुक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक के 6 स्पीड के गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, या तो हमें 7 स्पीड के गियरबॉक्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा। और गाइस, इसी के साथ साथ इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस हो सकता है कि 10 लाख से लेकर 16 लाख एक शोरूम तक इसका प्राइस रहने वाला है। और गाइस, इसी के साथ साथ इस कार के राइवल्स के बारे में बात करूँ तो इसमें हुंडई की क्रेटा, किया सोनेट और किया की सेल्टोस इस कार के बहुत ही राइवल रहने वाला है, और ये कार देखते हैं कि अगर इंडियन मार्केट में जल्दी आती है तो कैसा परफॉर्म करेगी। सो गाइस, और हाँ गाइस, इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो इसका लॉन्च डेट मई में होने वाला, यानी कि 2 मंथ के बाद इस कार का लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, यही थी कुछ अपडेट, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।